सत श्री अकाल फ्रेंड्स, पंजाबी किचन चैनल देखने वाले सारे फ्रेंड्स का स्वागत है। अज असी थोड़े नाल रेसिपी शेयर करेंगे कद्दू की सुकी सब्जी की। हाँ जी, अज आप कद्दूकस करके कद्दू नू ते सुकी सब्जी बनावांगे। तो जेकर तुसी अक चुके हो तरी वाली सब्जी खा के कद्दू की दुध वाली भी सब्जी कई नहीं पसंद, तो वह इस तरह नवी रेसिपी ट्राई कर सकते कद्दू की सब्जी की। इस तो पहले कि आप कद्दू की सब्जी बनाना शुरू करिए, जिहड़े फ्रेंड्स वाले चैनल दे नवे आए चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लो। तो चलो जी शुरू करते हैं। एक किलो मैं इत्थे कद्दू लए सी ते उहनां नूं कद्दूकस कर लिया, तो उन्होंने उन्होंने चंगी तरह निचोड़ लिया, हाथ नाल पानी कढ़ दिता उन्होंने। तो तीन मीडियम साइज़ प्याज ले आ, तो मीडियम साइज़ ही कट लिया इन्हों। दो टमाटर कटे आ मीडियम साइज़, तो कद्दू का जिहड़ा हैगा पानी आपां चंगी तरह निचोड़ के कढ़ लेना हैगा। तो ये सुके मसाले ले, एक चम्मच नमक, एक अद्धा चम्मच मेथी, एक चम्मच जड़ा है गर्म मसाला, एक चम्मच हल्दी, तो अद्धे तो भी घट चम्मच आप लाल मिर्च, तो हरी मिर्च, तो लसन जड़ा है बरीक कट लिया। चलो जी चूल्हे के उपर तरते हैं कढ़ाई। कढ़ाई तर दिती है, तो हम गर्म होने लिए वेट करांगे। तो बाहर चूल्हे के उपर सब्जी बनाने का अलग ही नज़ारा आता, बहुत ही मज़ा आता। चूल्हे के उपर जो आप खाना बनाने बहुत ही स्वादिष्ट बनता, तो बहुत ही जल्दी भी बनता वा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो हम अपनी कढ़ाई जी थोड़ी गर्म हो चुकी, तो आप तेल पावे सरों का तेल यूज़ किया। इतने मैं सुकी सब्जी के जोड़ा सरों का तेल ही चंगा लगता है, सरों के तेल में सुकी सब्जी बहुत ही वधिया बनती है। तुसी कोई भी यूज़ कर सकते हो, रिफाइंड ऑयल हो, कुकिंग ऑयल कोई भी यूज़ कर सकते हो। तेल गर्म होने मैं बच्चे प्याज जोड़े है पा दते हैं। मैं इतने जोड़ा है कोई भी तेज़ मसाला यूज़ नहीं करूँगी, फिर भी अपनी सब्जी जी बहुत वधिया बनूगी। ट्राई जरूर करके देखियो। मैं इतने जोड़ा है अपना जीरा भी नहीं यूज़ किया। जीरा कद्दू एक अजि मतलब सब्जी हैगी है जिदे आप कोई भी मसाला तेज़ पावे तो अपने कद्दू का टेस्ट जोड़ा है वो मतलब खो जाएगा, असली टेस्ट नहीं आऊगा कद्दू का। इस करके मैं मसाले जड़े बहुत घट पा के सुकी सब्जी बनाऊंगी, तो बहुत ही टेस्टी बनूंगी। तो हम अपने जोड़े आ प्याज फ्राई हो चुके अद्धे क, प्याज भी आप डार्क ब्राउन नहीं करने गे, लाइट ब्राउन ही रखने, ज़्यादा जोड़े फ्राई नहीं करने। तो हम आप पा देंगे हरी मिर्च, चार हरिया मिर्चा कटिया सी मैं, तो नाल लसन दियाँ पाँच छः कलियाँ वो कट लिया सी बरीक ही, वो पा के थोड़ा जिहा टाइम फ्राई करांगे। हाँ जी, कई कद्दू की सब्जी जिहड़ी हैगी आ बनाउंदे आ कट के, बरीक कट के बना लैंदे सुकी सब्जी, तो कई बनाउंदे आ तरी वाली सब्जी, कई दुध पा लैंदे आ, हर एक दी आपदी आपदी पसंद आ। जेकर तुसीं वह सब्जियां खा के वो तरीके जिहड़े अपना के थक चुके हो, तुसीं टेस्टी तुहानूं नहीं लगते हो, तो तुसीं इस तरह नवें जिहे ढंग नाल जिहड़ी कद्दू की सब्जी बना के खा सकते हो, क्योंकि गर्मियां दे विच कद्दू जिहड़े हुंदे आम हुंदे आ, कईआं दे घरां विच वी हुंदे आ लगे हुंदे आ, बल्लां लाईआं हुंदीआं, तो इस तरह अलग अलग रेसिपियां बना के खा सकते हो। तो हम आप जोड़े है प्याज आ फ्राई हो गए अपने, हम आप जो सुके मसाले अपने वो पा देंगे। ज़्यादा तेज कोई मसाला यूज़ नहीं किया, सिर्फ आम नॉर्मल जोड़े आप रोज़ की सब्जी के यूज़ करते हुए किते हैं। नमक मिर्च मसाला हल्दी थोड़ी जी मेथी ਲਈ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬਸ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੇਸਟੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣੂਗੀ। ਇਹ ਕੱਦੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਫਟ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਗਵਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਟੇਸਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸਬਜ਼ੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਹਲਕੇ ਮਸਾਲੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕੱਦੂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਮਸਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਸਟੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣੂਗੀ ਕੱਦੂ ਦੀ। हाँ जी, हम अपने सुके मसाले जोड़े अद्धा क मिनट उन्होंने सेक लग गया, हूँ आप टमाटर पा देंगे। टमाटर भी अद्धा क मिनट जोड़ा है सेक लवा देंगे, ता जो ये जोड़े पक जा, इन्हों पानी जोड़ा वो
सड़ जाए तो जेडे अपने कद्दूकस किए हुए कद्दू आ उन्हां दा भी पानी आपां चंगी तरह कढ लेना हैगा, विच नहीं रहना चाहिए क्योंकि इन्हां विच पानी जिहड़ा हुंदा बहुत हुंदा, तुहानूं पता ही है अपने पानी विच ही पक जांदे आ, पानी होर पाउण दी लोड़ नहीं हुंदी। कई वारी जेकर आपां सुक्की सब्जी बनाईए तां, पर इत्थे मैं इन्हां दा पानी निचोड़ लाऊंगी क्योंकि कद्दूकस किए हुए तो यह बहुत जल्दी जिहड़े हैगे आ बन जाएंगे पक जाएंगे। आपां उपर थाली दे के ढक्कन दे के कढ़ाई दे उपर इन्हां नूं 10 मिनट सेक बाद च लवावांगे, तो अपने पानी दे फिर भी इन्हां विच बहुत ज़्यादा नमी रह गई आ, ये अपने पानी में ही इस तरह पक जाएंगे, कच्चे नहीं रहेंगे, तो इन्हें निचोड़ लेना चंगी तरह। जेकर आप ना निचोड़िया तो पानी छड़ जाएंगे, फिर आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम आपूं इन्हों पकाना पेगा चुल्हे के उपर। चुल्हे का यह सुख होंगे कि आप आराम लफट्टी उपर बैठ के जड़ा है इस तरह खाना बना सकते हैं, कोई झंझट नहीं, कोई थकावट नहीं, बैठ के आप आराम नाल कोई भी चीज़ चुल्हे के उपर बना सकते हैं। तो ज़्यादा कोशिश करया करो, पिंडां दे विच तां आम होंदे ही है, तो शहरां वाले भी ज़्यादा कोशिश करया करो कि सब्जी जिहड़ी बनाउणी तुसीं उह तां चुल्हे के उपर बनाओ। जिस तरह आपां जिहड़े हैगे आ जदों अपने टमाटर पक गए तां आपां जिहड़े कद्दू आ विच पा देणे आ, उन्होंने मिक्स कर देना मसाले दे विच, उन्हें बहुत सोहना कलर आ रहा तुसी देख ही रहे हो। मिक्स करके चंगी तरह के बाद उपरों थाली नाल ढक देना, तो 10 मिनट तक आप इसका जो है सेक लगाना। तुसी देख ही रहे हो अलग अलग पे अपने, बिल्कुल भी अपने जिहड़े हैगे कद्दूआं ने पानी नहीं छड्डिया गा, तो बाद भी इस तरह सुके सुके रहेंगे। सुकी सब्जी बनानी आप इस तरह सुके ही रहेंगे, तो पानी जो आप पहला कड़ दिता सी निचोड़ के वह यही सुख है, यही जड़ा आपू है कि आप जल्दी तो जल्दी इस तरह सुकी सब्जी बना के कद्दू की तैयार कर सकते हैं बिना किसी झंझट के। सिर्फ 10-15 मिनट अपने जोड़े है पूरे लगन गए सब्जी बनाने लिए, जब तो आप चुल्हे के उपर इस तरह कढ़ाई में 15 मिनटों में अपनी सब्जी जी बन के तैयार हो जाएगी। 10 मिनट आप इसमें ढक के सेक लगाना, 5 मिनट मैनू मसाले बनाने लगे फ्राई करने, तो हम आप इस 10 मिनट तक इस तरह रखा चुल्हे के उपर। सेक तुसी मीडियम ही रखना, ज़्यादा जोड़ा है अग नहीं करनी चुल्हे, मीडियम सेक से आप अपनी सब्जी बना लैनी है। 10 मिनटों के देख रहे हो पक चुके अपने जोड़े आ कद्दू है येलो हो गए, तो अपनी जोड़ी आ सब कद्दू है पक चुके बिल्कुल रज चुके हैं, कच्चे नहीं है। तुसी चाहो तो हमने इसनों ला सकते हो, पर मैं बिल्कुल अग नहीं हैगी चुल्हे हम बंद है, तो मैं इस तरह ढक दूंगी इसनों, तो खुद ही बनी जाएंगे उपर, तो बहुत ही टेस्टी बन जाएंगे। इस तरह अगर तुम चुल्हे के उपर सब्जी बनाओ तो इस तरह करो, पकन पर भी सब्जी आप बिल्कुल सेक नीचे अग बंद करके चुल्हे के उपर इस तरह रख देंगे, तो यह हौली हौली रिज के होर भी टेस्टी बन जाती कोई भी सब्जी आप इस पर बनाने तो आप जी सब्जी हम सर्व करके तुम दिखावे। कद्दू की सुकी सब्जी फटाफट तैयार की है जी 15 मिनटों के, बहुत ही टेस्टी भी आ, बहुत ही चटपटे भी बनी है, खट्टा जिहा टेस्ट आऊगा अपना टमाटर दे नाल, अद्धे कच्चे जे अपने गंढे आ बहुत ही टेस्टी लगनगे, इहदे विच ज़्यादा फ्राई नहीं किए आप, बस यही तुहानू दसना सी कि ज़्यादा फ्राई नहीं करने प्याज तो टमाटर विच पाउणे आ, सुकी सब्जी फटाफट बनाउणी आ, कद्दूआं दा पानी निचोड़ लैना चंगी तरह, तो इस तरह की अपनी सुकी सुकी कद्दू की सब्जी बन के तैयार होगी, बहुत ही टेस्टी भी बनी आ। ट्राई जरूर करया करो अगर तुसीं कोई भी रैसपी देखते हो, कोई भी वीडियो देखते हो, तो जेकर तुहानू अज दी साडी वीडियो चंगी लगी तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कमेंट तो शेयर जरूर करो, तो जो असी जिहड़ियां नवीं नवीं रेसिपियां तुहाडे नाल शेयर करते रहिए। अगर तुसी साडियां वीडियो जिहड़ियां हैगियां ट्राई करते हो तो प्लीज़ कमेंटा राही अपने अनुभव जरूर दस्या करो कि तुहानू जिहड़ी रेसिपी आ उह किस तरह की तुसी बना सके हो, किस तरह की बनी है, तो चैनल नू सबसक्राइब जरूर करो जिहड़े फ्रेंड्स पहली बार चैनल पर आए हैं, तो जो साडी हर आने वाली वीडियो तुहाडे तक सब तो पहला पहुँच सके। तो इस वीडियो इन्ना ही, नवी वीडियो के नाल फिर मिलेंगे, तद तक ले दियो इजाजत, धन्यवाद जी, थैंक यू।